हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू देव ट्यूटोरियल ऑफ इकोनॉमिक्स। सो आज हम लोग एक नया मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के पोर्शन को स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है इंटीग्रेशन। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एग्जामिनेशन में जनरली एक से दो क्वेश्चन आपको आना ही आना है। इसके एप्लीकेशन को पढ़ने से पहले इसको बेसिक को पढ़ना जरूरी है। तो हम लोग आज बेसिक पढ़ेंगे इसमें, और एकदम बेसिक से स्टार्ट करके मैं कोशिश करूंगा कि आपको एकदम सबसे अपर लिमिट तक ले जाने का और पूरे इजी में समझाने का पूरा प्रयत्न करूंगा। एंड आई होप कि आपको समझ में भी आएगा। तो चलिए इंटीग्रेशन जो है थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप x का पावर 5 का डिफरेंशिएशन करो तो आप क्या बोलोगे कि 5x का पावर 4। यही होता है, पावर जो रहता है बाहर आ जाता है, पावर में ही घट जाता है, तो 5x4 हो गया। मैं आपको बोलूं x का पावर 7 का इंटीग्रेशन करो तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करो तो क्या हो जाएगा, 7x का पावर 6। अब बात समझिएगा, दोनों क्या है, दोनों जुड़वा भाई है, दोनों क्या है, ये एक तरह से बड़ा भाई है इन डिफरेंशिएशन का। ये अगर डिफरेंशिएशन, ध्यान से सुनिएगा, x का पावर 5 का डिफरेंशिएशन अगर 5x का पावर 4 है और क्वेश्चन दे दिया जाए कि 5x का पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, x का पावर 5। अगर x का पावर 7 का डिफरेंशिएशन मेरा 7x का पावर 6 है और क्वेश्चन दे दिया जाए 7x का पावर 6 का इंटीग्रेशन क्या वैल्यू क्या होगा, तो x का पावर 7। बड़ा ही ध्यान से समझिएगा, एंड आई होप इतना बात तो जरूर क्लियर हो गया होगा कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में रिवर्स है। अगर डिफरेंशिएशन वाले वैल्यू को इंटीग्रेट कर दे तो मेरे को क्वेश्चन, मेरे को वैल्यू मिल जाता है, और अगर इसको डिफरेंशिएट करे तो ये वैल्यू मिलता है, तो एक दूसरे का रिवर्स है। अब क्वेश्चन किस ढंग में देना दिया रहेगा, आपको क्या पकड़ना है, थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए। यहाँ पे अगर x लिखा हुआ रहेगा तो जरूर dx लिखा हुआ रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम बेसिक से समझिएगा, क्योंकि आगे जब हम लोग सब्स्टिट्यूशन रूल पढ़ेंगे या फिर कोई भी रूल पढ़ेंगे वहां पे अगर इसके यहाँ से अगर प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो वहां पे ये नहीं समझ पाइएगा क्यों dx को रिप्लेस करके दूसरा वैल्यू ला रहे हैं। तो जब भी यहाँ जो भी वेरिएबल रहेगा यहाँ पे d देके वो रहेगा, अगर यहाँ पे रहता मेरा इंटीग्रेशन ऑफ 5u का पावर 4 तो यहाँ आ जाता du, इंटीग्रेशन ऑफ 7x का पावर n तो यहाँ पे आ जाएगा du, जो भी वेरिएबल है d वहां पे वो लिखा रहेगा। तो अब आई होप कि आपको क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा। अगर ये सिंबल मेरे को दिया है और यहाँ पे d देके कुछ वेरिएबल लगाया हुआ है, क्या कौन सा वेरिएबल लगाएगा, तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन जिस वेरिएबल के फॉर्म में देगा d वही वेरिएबल देगा, तो वो क्वेश्चन समझ जाएंगे कि इंटीग्रेशन का है। अब बात आता है कि इंटीग्रेशन को बनाने के दरमियान एक कांस्टेंट को यूज करते हैं, जैसे x का पावर 5x का पावर इंटीग्रेशन का वैल्यू x का पावर 5 तो होगा ही होगा, प्लस c आंसर में लिखना है आपको, और जब एप्लीकेशन पढ़िएगा यही c का वैल्यू निकालना रहता है। तो अभी मैंने सबसे पहले क्या बताया कि इंटीग्रेशन का साइन ये होता है, साइन के बाद कुछ दिया रहेगा जो भी वेरिएबल रहेगा, उसके बाद d देके वो लिखा हुआ रहेगा। अब आपको आंसर जो आएगा उसमें c लगाना है, इंटीग्रेशन जैसे x का पावर 7 दे दिया मेरे को, कुछ होगा अभी उतना काम कहानी छोड़िए क्या होगा, लेकिन इसका तो कुछ वैल्यू आएगा, जो भी वैल्यू आएगा प्लस c लगा हुआ रहेगा। क्यों लगा हुआ रहेगा उसका आंसर अभी हम लोग जानेंगे। x का पावर 9 यहाँ पे क्या रहेगा, सॉरी यहाँ du लिख दिए थे, यहाँ पे dx, x का पावर 9 x है तो dx वैल्यू कुछ होगा प्लस c लगा हुआ रहेगा। तो ये c आपको हर क्वेश्चन में लगाना है। अब क्यों लगाते हैं थोड़ा सा ये समझिए, जैसे x का पावर 5 प्लस 7 को मैंने बोला आपको डिफरेंशिएट करिए, तो आप क्या कहिएगा कि 5x का पावर 4, फिर मैं एक नया क्वेश्चन देता हूं x का पावर 5 प्लस 9 को डिफरेंशिएट करिए, तो आप क्या बोलिएगा कि
x का पावर 4 और 9 का तो 0 होता है, 7 का 0, तो उसको लिखना जरूरी नहीं है। और मैंने क्या बोला, डिफरेंशिएशन करने से अगर ये आया है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या होगा, यही वैल्यू आएगा हमारा x का पावर 5 प्लस 7। फिर से इसको इंटीग्रेट कर दिए, एक वैल्यू आ गया x का पावर 5 प्लस 9। अब ध्यान से ना बोलिए, क्वेश्चन तो मेरा 5x का 4 इंटीग्रेशन करने को बोल रहा था, उसका आंसर 2 कैसे होगा? तो मेरा जो अंतर आ रहा था वो कांस्टेंट में अंतर आ रहा था, एक जगह 7 था एक जगह 9 था। तो इसीलिए हम लोग एक जनरल आंसर में लास्ट में सी ऐड करते हैं जब भी इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे दिखाते हैं कुछ भी होगा, अगर कोई कांस्टेंट नहीं रहा, जीरो है, जैसे सिर्फ x का पावर 5 है, तो वहां तो कांस्टेंट कुछ नहीं है, तो भी क्या जाता है, x का c के जगह 0 रख देंगे, आंसर में तो फर्क पड़ेगा नहीं। तो अभी तक मैंने सिर्फ आपको 2 बात बताया, पहला चीज इंटीग्रेशन में ये वाला साइन रहेगा, यहाँ जो भी वेरिएबल रहेगा d दे के वो लिखा हुआ रहेगा, उसके बाद आंसर में क्या लिखना है आपको, जो भी इंटीग्रेशन का वैल्यू आएगा वो प्लस थी, क्यों लिखना है वो मैंने बताया आपको। अब आते हैं थोड़ा सा फॉर्मूला पे मूव करते हैं, धीरे धीरे अब हम लोग एंट्री ले रहे हैं इंटीग्रेशन के वर्ल्ड में। चलिए देखते हैं अच्छा लगता है या बुरा लगता है, जो भी लगे, पढ़ना तो है क्योंकि ऑप्शन तो है नहीं इसमें। चलिए अब पहला जो फॉर्मूला है, फर्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है वो है, देखिए जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है वो है, अगर x का पावर कुछ भी n मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे x है तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है dx रहेगा, तो x का कुछ भी पावर रहे तो उसका वैल्यू क्या होता है इंटीग्रेशन में, ध्यान से समझिए। x का पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता था, n बाहर आता था, x का पावर n माइनस 1। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होगा, जो भी पावर रहे उसमें 1 जुड़ेगा बाय n प्लस 1 प्लस, ये तो वैल्यू आया और मैंने आपको क्या बताया, कांस्टेंट अपने से आपको ऐड करना c वहां पे, और अगर क्वेश्चन में c दिया रहे तो आप कोई दूसरा कांस्टेंट d f n कुछ भी यूज कर सकते हो। फिर से समझिए, अगर x का पावर n दिया रहे तो हमारा क्या हो जाना है, जो भी पावर है उसमें 1 ऐड करेंगे बाय फिर से वही n प्लस 1 प्लस c। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे पहला है इंटीग्रेशन ऑफ 6x का पावर 5 dx, ठीक है ना। तो देखिए जैसे डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट बाहर चला जाता था, उसी तरह यहां भी बाहर चला जाएगा, x का पावर 5 dx बचा हमारा, x का पावर 5 का क्या हो जाएगा, जो भी पावर है, पावर में आपको फोकस करना है, पावर 5 है तो 5 प्लस 1 बाय 5 प्लस 1 प्लस c, इसी को सिंपल करेंगे क्या हो जाना है, 6 इंटू एक्स का पावर 6 बाय 6 प्लस c, ये कैंसिल तो x का पावर 6 प्लस c, ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल लेते हैं रूट अंडर, इसका थोड़ा सा खेल समझना है बात को, जब भी रूट अंडर दिया रहता है या कुछ भी दिया रहता है, इसको हम लोग फ्रैक्शन के, क्योंकि हम लोग क्या देखे हैं, पावर के फॉर्म में देखे हैं, तो रूट अंडर का तो नहीं जानते, तो इसको पावर के फॉर्म में करना होगा, इसको क्या लिखते हैं हम लोग, x का पावर 1/2। अब सपोज करते हैं यहाँ क्यूब रूट रहता, इसको क्या लिखते हैं हम लोग, तो x का पावर जो भी है 1/3, यहाँ पे 3 है तो 1/3, अगर यहाँ पे रहता रूट अंडर एम एक्स, क्या हो जाता है, x का पावर 1/, यहाँ पे देखना मैंने आपको क्या है, m है तो 1/m, ठीक है ना। अब क्वेश्चन अगर दे देता मेरे को x का पावर 7 m, ये क्या हो जाता है, x का पावर 7 इंटू रूट अंडर m को कैसे लिखते हैं, 1/m, तो ये क्या हो जाएगा, x का पावर 7/m। तो ये आंसर नहीं, मैंने क्वेश्चन को पावर के फॉर्म में, अभी आंसर लाने से पहले क्वेश्चन का पैटर्न में लाएंगे तब ना आंसर आएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हम लोग पावर में कन्वर्ट क्यों, क्योंकि फॉर्मूला अभी हम लोग किसका जानते हैं, जब पावर दिया रहे तो उसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं।
तो सबसे पहले जब कभी भी रूट अंडर दिया रहे उसको आपको एक प्रॉपर पावर के रूप में कन्वर्ट करना है। जैसे मेरा क्वेश्चन है रूट अंडर एक्स थर्ड नंबर, तो रूट अंडर एक्स हमारा क्या हो जाएगा, हम इसको क्या लिख सकते हैं पावर के फॉर्म में, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 2 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं x का पावर 1/2 dx, ठीक है ना। अब देखिए पावर 1/2 है उसमें 1 ऐड करेंगे by 1/2 plus 1 plus c, ये क्या हो जाएगा हमारा x का पावर 3/2 by 3/2 जो आएगा 2 ऊपर में आ जाएगा plus c। फिर से समझिए क्या आएगा, x का पावर 3/2 आएगा ना, जो पावर है उसी से डिवाइड करना है, तो 3/2 प्लस सी। मैं क्या बता रहा हूं कि ये जो 2 है वो क्या होगा ऊपर में चला जाएगा 2/3 इतना, तो ये हमारा आंसर हो गया। एंड आई होप थोड़ा सा आपको क्लियरिफिकेशन हुआ हो कि पावर में पहले लाना है, अगर रूट अंडर के फॉर्म में दिया है पावर में लाने के बाद क्या करना है उसमें प्लस वन जैसे ऐड करते हैं। फिर ध्यान आपको कहाँ रखना है, जब डिवाइड करोगे उस समय ध्यान रखना है, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा और वो बचेगा। क्लियर है बात। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वाला। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 1/√x, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, एकदम बेस है ये सब, एकदम मजेदार। समझिएगा नहीं समझिएगा पूछिएगा, अगर देख रहे हैं आप थोड़ा सा भी प्रयत्न कर रहे हैं समझने का, नहीं समझ में आ रहा पूछना है आपको बार बार, मैं आपको आंसर दूंगा क्योंकि ये सब एकदम बेस है। इसको नहीं समझिएगा आगे कोई भी क्वेश्चन इंटीग्रेशन का आप नहीं समझ पाइएगा, कोई क्वेश्चन नहीं समझिएगा फिर मैथ लगेगा अरे बार कहां से क्या दे दे रहा है। समझने का कोशिश करना है, जो बता रहे सिंपल सा वो करना है। यहाँ पे जैसे 1/√x है, मैंने क्या बोला जब कभी भी रूट के फॉर्म में दिया रहे उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करिए। यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, यहाँ पे अगर 3 दिया रहता तो 1/3, m दिया रहता 1/m, लेकिन कुछ नहीं दिया, कैसे लिखेंगे x का पावर 1/2 dx। फिर अभी भी देखिए, और हम लोग जानते हैं हम लोग x का पावर n का फॉर्मूला देखे हैं, यहाँ पे x का पावर n के फॉर्म में लाना होगा, तो ये जब ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा x का पावर -1/2। बचपन में पढ़ते थे अगर पावर नीचे में पॉजिटिव है आप ऊपर करोगे तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, नीचे में निगेटिव ऊपर करिएगा पावर पॉजिटिव, ठीक है ना। तो क्वेश्चन मेरा ये आ गया, फिर आप बेसिक जो फॉर्मूला जानते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए x का पावर एलसीएम लेंगे -1 + 2/2, यही नीचे में आएगा प्लस सी, और इसको सॉल्व करेंगे -1 है और +2 है तो 1 बचेगा 1/2, यहां भी 1/2 प्लस सी, और इसी को आप सॉल्व करोगे 2 ऊपर चला जाएगा x का पावर 1/2 प्लस सी। क्लियर है, ये हमारा आंसर हो गया। तो आपको सबसे पहला काम करना है x के पावर n के फॉर्म में लाना है, ठीक है ना, नहीं भी है आपको लाना है, सिंपल सा बात है। कैसे, अगर रूट अंडर में दिया है पावर में लाइए, फिर उसको x के पावर n के फॉर्म में लाएंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है रूट अंडर x, एक दो क्वेश्चन और हम बताते हैं। जैसे है रूट अंडर x का पावर 7 dx, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताइए, इसको लिखेंगे x का पावर 7 और रूट अंडर को कैसे मैंने बोला था लिखने, तो 1/2 के फॉर्म में, अब पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है तो 7 × 1/2 क्या हो जाएगा x का पावर 7/2 dx, इसको सॉल्व करेंगे आंसर क्या आएगा हमारा x का पावर 7/2 प्लस 1 by 7/2 plus 1 plus c। क्लियर है बात, अच्छे से एलसीएम ये सब थोड़ा सा कृपया करके ध्यान दे, एलसीएम सही से लीजिएगा, तो x का पावर 9/2 by 9/2 आएगा plus c, और इसी को हम लोग क्या लिखेंगे 2 ऊपर में x का पावर 2/9 x का पावर 9/2 plus c। सो आई होप आपको क्लियर हो रहा हो, ठीक है ना। एक दो क्वेश्चन और लेते हैं,
बेसिक एकदम मैं एग्जाम पूछ के बेसिक आपको बता रहा हूँ, जितना क्वेश्चन होगा उतना क्लेरिफिकेशन होगा, और कहीं भी कोई भी समस्या आए बताना है आपको, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा x का पावर -2/3। देखिए x का पावर n के फॉर्म में पहले से ही है, ठीक बात है, तो आप फॉर्मूला सीधे लगा देते हैं, x का पावर -2/3, n में 1 ऐड करते हैं, ठीक है 1 ऐड कर दिए, ऊपर में जो है वही लिख देना है -2/3 + 1 + c। अब यहाँ पे आ जाता है भाई साहब, थोड़ा सा एलसीएम सही से लेना है, -2 + 3/3, इसी तरह नीचे में क्या आ जाएगा -2 + 3/3 + c, और सॉल्व करिए इसको, तो x का पावर 1/3 / 1/3 + c। इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, तो देखिए 3 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे, 3/1 ही 3 ही होगा, तो आंसर हमारा क्या होगा 3x का पावर 1/3 + c, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और लेते हैं, x 1/√ या क्यूब रूट यहाँ कर देते हैं x का पावर 9 dx। अब समस्या क्या आ गया, ये तो x का पावर n के फॉर्म में है नहीं, तो इसको करिए आप, क्या हो जाएगा ये बताइए, हमारा पावर x का पावर 9 है और रूट अंडर को कैसे बोले थे, क्यूब रूट है, 1/3 हो जाएगा, ठीक बात है, तो इसको हम यहाँ पे पावर में 1/3 लिख दिए। अब यहाँ पे लिखने के बाद पावर पावर किसी का भी मल्टीप्लाई होता है, दो पावर रहे तो एक 9 है इंटू 1/3, तो क्या हो जाएगा 1x का पावर 3 dx। अभी भी x का पावर n के फॉर्म में नहीं आया, नीचे में x का पावर n के फॉर्म में है, तो उसको ऊपर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा x का पावर -3 dx। इसको सॉल्व करिए तो x का पावर -3 + 1/-3 + 1 + c, यही हमारा क्या हो जाएगा -2, इसको हम लोग -2 लिख सकते हैं, माइनस ऊपर ले गए तो -1/2 + c। इसी को आप अगर चाहो तो 1/2x का पावर 2, क्योंकि यहाँ पावर माइनस में है, नीचे आएगा प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा। सो आपका लिखने का ढंग है, अगर नहीं होता उतना मत इतना दिमाग पे जोर नहीं देना, लेकिन सिंपली फ्लो में, जिस फ्लो में मैं पढ़ा रहा हूँ, एकदम उतना कैच करते जाना बातों को, ठीक है ना। बस शुरू से मैंने अभी 2-3 चीजें बताया, पहला इंटीग्रेशन डीएक्स रहेगा, दूसरा लास्ट में सी लगाना है, तीसरा कि रूट अंडर अगर दिया रहा है या कुछ भी दिया रहे तो आपको एक्स का पावर एन के फॉर्म में करना है। अब अपने आप से पूछना है कि कैसे हम इस फॉर्म में ला रहे हैं, क्लियर है बात। चलिए आगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस, इसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन में इंडिविजुअली करने के बाद यहाँ पे एक बात थोड़ा सा आपको जो ध्यान रखना है वो एक बार हम लोग देखते हैं। अगर क्वेश्चन में दिया रहे 1/x dx का इंटीग्रेशन या फिर x का पावर -1 का इंटीग्रेशन, तो आप इसको होशियार मतलब ऐसे मत लिख दीजिएगा कि यहाँ पे पावर 1 है, ऊपर में आएगा तो -1 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो x का पावर -1 + 1/-1 + 1 + c, ये तो x का पावर 0 हो गया / 0 + c, और यही हमारा आंसर अगर आ गया वो गलत है। तो ये क्या होता है, थोड़ा सा मैं इसको बाद में बताऊंगा, लेकिन जान लेना है, अगर 1/x है तो log x + c, ठीक है ना। तो आपको प्रिकॉशन यहाँ पे लेना है। अभी तक सिर्फ अब दो एडिशनल चीज हम लोग सीखे, पहला क्या कि भाई साहब अगर कोई भी क्वेश्चन दिया हमको उसको कोशिश करना है x का पावर n के फॉर्म में लाने का, क्योंकि उसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है x का पावर n + 1 / n + 1 + c। अब इसी में एक बात हम लोग क्या सीख लिए कि भाई साहब अगर 1/x दिया रहे या क्वेश्चन में हमारा x का पावर -1 दे दिया रहे तो उसको इससे सॉल्व ना करेंगे और उसका आंसर हमारा क्या होगा log x होगा, क्लियर है बात। बस दो चीज हम लोग अभी तक क्लियर सीखे हैं। अब चलिए आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं और सीखने का कोशिश करते हैं नया चीज। अब हम लोग देखते हैं कि इंडिविजुअल टर्म का तो सीख लिए भाई साहब,
लेकिन एक से ज्यादा टर्म है तो कैसे डिफरेंशिएट करना है? तो बोलता बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, आप जैसे वहां सारे टर्म को डिफरेंशिएट करते थे डिफरेंशिएशन में, यहां पे सारे टर्म को इंटीग्रेट कर दो इंटीग्रेशन में। एग्जांपल के लिए जैसे क्वेश्चन है अगर हमारा रूट अंडर एक्स प्लस वन बाई रूट अंडर एक्स डी एक्स, हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, दो टर्म आ रहा है, तो इंटीग्रेशन का कंसेप्ट बोलता है भाई साहब दोनों को इंटीग्रेट आप करिए। रूट अंडर एक्स का पहले इंटीग्रेशन कर लीजिए, वन बाई रूट अंडर एक्स का इंटीग्रेशन करिए और इंटीग्रेशन मेरा आंसर का वैल्यू आ जाएगा। ये क्या होगा बताइए, एक्स का पावर वन बाई टू डी एक्स प्लस वन बाय, क्या बोले थे रूट अंडर को, फिर से वो एक्स का पावर वन बाय टू लिखेंगे, ये हमारा क्या होगा एक्स का पावर वन बाय टू डी एक्स प्लस एक्स का पावर माइनस वन बाय टू डी एक्स, ठीक है ना। अब दोनों सॉल्व करते हैं, इसका वैल्यू क्या आएगा, एक्स का पावर वन बाय टू प्लस वन बाय वन बाय टू प्लस वन प्लस एक्स का पावर माइनस वन बाय टू प्लस वन माइनस वन बाय टू प्लस वन। क्लियर है बात, यहाँ पे भी एक सी आएगा और यहाँ पे भी सी आएगा, इसको सी वन मान लेते हैं, इसको सी टू मान लेते हैं। सॉल्व करते हैं तो एक्स का पावर थ्री बाई टू बाई थ्री बाई टू प्लस एक्स का पावर वन बाई टू बाई वन बाई टू प्लस सी वन प्लस सी टू आएगा। क्लियर है, सॉल्व करेंगे ना, एलसीएम ले आएगा टू नीचे में, टू प्लस वन थ्री, तो इसी तरह थ्री बाई टू इधर टू और माइनस वन है तो वन बचेगा ऊपर में, तो वन बाई टू इसका सही से। अब ये क्या हो जाएगा आंसर हमारा, टू बाई थ्री एक्स का पावर थ्री बाई टू प्लस टू एक्स का पावर वन बाई टू प्लस सी वन प्लस सी टू, और ये जो सी वन सी टू है इसके बदले में हम एक फाइनल क्या करते हैं, कॉन्स्टेंट सी लिख देते हैं। क्लियर है, कोई कांस्टेंट ही होगा, आठ प्लस पांच तेरह वो भी तो कांस्टेंट है, तो नया कांस्टेंट सी लिख देंगे। तो सिंपल सा मॉरल चीज क्या है, जितने भी टर्म दिए सारे टर्म को आपको इंटीग्रेट करना कर देना है, लास्ट में सी जैसे लगाते हैं वैसे सी लगा दीजिए। क्लियर है ना, चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन ये देखिए सेवन नंबर, यहां कहीं माइनस का हमने बताया तो इसमें एक माइनस लगा लेते हैं। क्वेश्चन हमारा दे दिया है वन बाय रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स का पावर सेवन प्लस वन बाय थ्री रूट अंडर एक्स का पावर टेन माइनस वन बाय एक्स का पावर एम, पूरे को इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या देख रहे हैं भाई साहब, एक दो तीन चार, चार टर्म आ रहा है, चारों को इंटीग्रेट कर दीजिए। पहला वाला टर्म क्या है, वन बाय रूट अंडर एक्स डी एक्स, दूसरा वाला टर्म क्या है, रूट अंडर एक्स का पावर सेवन डी एक्स, तीसरा टर्म क्या है, वन बाय थ्री रूट अंडर एक्स का पावर टेन डी एक्स माइनस, अगला वाला टर्म क्या है, वन बाय रूट अंडर एक्स का पावर एम डी एक्स। कोई बात नहीं है, अभी भी x का पावर m का हम जानते हैं और उस फॉर्म में तो है नहीं, तो फिर से करना होगा, कैसे करेंगे बताइए, इसको क्या लिखेंगे, 1 by x का पावर 1 by 2 dx plus x का पावर 7 का पावर 1 by 2 dx, ध्यान से पावर 7 था और उस होल का रूट अंडर था तो 1 by 2 पावर मल्टीप्लाई किए प्लस 1 by 3 इंटू x का पावर 10 है और रूट अंडर चढ़ाया हुआ, रूट अंडर का मतलब क्या, वन बाई टू, तो इसका इंटीग्रेशन माइनस वन बाय एक्स का पावर एम है और इसका होल का वन बाय टू डी एक्स। क्लियर है बात, आगे क्या हो जाएगा देखिए, ऊपर जाएगा पावर तो एक्स का पावर माइनस वन बाय टू डी एक्स प्लस एक्स का पावर सेवन इंटू वन बाय टू, क्या हो जाएगा सेवन बाय टू डी एक्स प्लस वन बाय थ्री, कॉन्स्टेंट है वन बाय थ्री, बाहर ले लेते हैं, एक्स का पावर टेन इंटू वन बाय टू, क्या हो जाएगा वन बाय एक्स का पावर फाइव डी एक्स, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं एक्स का पावर माइनस फाइव
ध्यान से देखिए क्या आया था, 1 by x का पावर 5, इसी को हम क्या लेके हैं, x का पावर -5, इसका इंटीग्रेशन माइनस x का पावर नीचे में क्या आएगा m इंटू 1/2, तो m बाई टू और नीचे में 1 by x का पावर m by 2, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा x का पावर -m/2, क्लियर है बात। तो यहां पे x का पावर -m/2 dx का इंटीग्रेशन, ये क्या होगा देखिए, x का पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1, x का पावर 7/2 प्लस 1, x का पावर 7/2 प्लस 1, 1/3 x का पावर -5 प्लस 1, -5 प्लस 1 माइनस x का पावर -m/2 प्लस 1 बाय -m/2 प्लस 1 प्लस लास्ट में सब के बदले जो c1 c2 c3 आएगा उसके बदले में हम एक c लगा देंगे, क्लियर है ना बात। ये क्या हो जाएगा x का पावर 1/2, एलसीएम अच्छे से लीजिएगा, 1/2 प्लस x का पावर 9/2 बाय 9/2 प्लस 1/3 x का पावर -4 बाय -4 माइनस x का पावर क्या हो जाना है देखिए, तो -m प्लस 2/2 बाय -m प्लस 2/2 प्लस c, ठीक है ना। और थोड़ा सा ऊपर बस मिटाते हैं फाइनल आंसर के लिए हमारा, क्या हो जाएगा तो देखिए 1/2 है, 2 ऊपर आ जाएगा, x का पावर 1/2 प्लस 2/9 x का पावर 9/2 प्लस माइनस नीचे में 1/-12 है तो नीचे में वही रहने देते हैं, तो माइनस 1/12 x का पावर -4 माइनस है आगे तो माइनस x का पावर -m/2 बाय -m+2/2 है तो नीचे में -m+2 तो रहेगा ही रहेगा और ऊपर में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस सी आंसर के रूप में यहां लिख देंगे। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, यही होगा हमारा फाइनल आंसर। तो ये हमारा सिंपल सा बेसिक कंसेप्ट है, अभी तक एक बार ओवरऑल सम अप कर लेते हैं चीजों को, फिर हम लोग एक वीडियो में और कुछ मजेदार क्वेश्चन बनाएंगे। अभी तक मैंने क्या बताया, पहला चीज बताया कि अगर इंटीग्रेशन को पहचानना कैसे, पहला चीज ये सिंबल दिया रहेगा, दूसरा यहाँ पे जो भी वेरिएबल रहेगा डी वो लिखा रहेगा, क्लियर है बात। अगर दूसरा दिया हुआ तो वो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, गलत हो जाएगा, उसका वैल्यू निकाल नहीं सकते हम लोग, क्योंकि दूसरे के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा जो कि अभी नहीं पढ़ना है हम लोगों को। आगे आते हैं, उसके बाद दूसरा चीज क्या सीखे हम लोग कि भाई साहब आपको x का पावर n के फॉर्म में लाना है, और इसी दरमियान मैंने आपको रूट अंडर का कंसेप्ट समझाया है कि अगर रूट अंडर दिया रहे तो उसको कैसे पावर के फॉर्म में लाते हैं। तो हमको बेसिक कंसेप्ट हमको लाना है x का पावर n के फॉर्म में, क्योंकि फॉर्मूला हम यही जानते हैं तो हमको लाना है किसी भी तरीके से। अब जब इस फॉर्मूला पे बैठ के 4-5 क्वेश्चन बनाए, फिर देखिए आप एक का तो हो जा रहा है, एक से ज्यादा का कैसे करें इंटीग्रेट। तो एक से ज्यादा के लिए हम क्या बोले, सारे जितना भी टर्म आए क्वेश्चन में सारे को इंटीग्रेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। जिस क्वेश्चन में एक से ज्यादा है तो जितना है सारे को इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर देंगे। तो अभी तक ओवरऑल हम ये पढ़े हैं, एंड आई होप आपको समझ में आया हो, मजा आया हो, मजा आना जरूरी है, कुछ भी एकदम शॉर्ट सर्किट दिमाग में हो रहा है पढ़ने से, अगर ऐसा आपको कुछ फील हो रहा है देख बताइएगा मेरे को कि क्या मेरा स्टैंडर्ड होना चाहिए, कितना और लो होना चाहिए, कितना थोड़ा सा फास्ट पढ़ाना चाहिए, कितना ज्यादा हो गया वीडियो शूट, ये सब आपको बताना चाहिए एज एन फ्रेंड या फिर आप जो बोल रहे स्टूडेंट जो आपका मर्जी। तो मैं अगर हेल्प कर रहा हूँ तो आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, एंड आई होप आपको पसंद आया हो, कोई भी सजेशन हो प्लीज दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।